अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है लेबर की जॉब के रिलेटिव एंड एज ए टेक्नीशियन। सो गाइस, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की बटन को दबा दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो जॉब के रिलेटिव अगर अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट दूं, अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आज का जो वीडियो है इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचाने का मकसद है मेरा जो लेबर की जॉब में आना सऊदी अरब। भाई, आज के दौर में जो लोग लेबर की जॉब में सऊदी अरब हो या और कोई कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई लेबर की जॉब से बचें। लेबर की जॉब एक ऐसी जॉब होती है जिससे आप परेशान होते हैं, परेशान रहेंगे तो परेशानी अगर नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ लेबर की जॉब में मत आएँ। तो ऐसा क्या होता है, तो फिर आपके दिमाग में एक बात घूमती है कि हम लोग कुछ काम नहीं जानते तो फिर लेबर में नहीं आए, क्या इंजीनियर में आए? नहीं मेरे भाई, आप लेकिन लेबर के जॉब में ना आए, लेकिन इंजीनियर में भी ना आए, लेकिन ऐसे टेक्नीशियन में तो आ सकते हैं ना आप। एक टेक्नीशियन यानी एक काम सीख के तो आ सकते हैं ना। अगर आप लेबर की जॉब में आते हैं तो कोई भी काम आपको दे सकता है। यहाँ पे किसी भी कंट्री में आप जाओगे, कोई भी काम देगा आपको करना पड़ेगा। धूप है कोई दिक्कत नहीं, आपको काम देगा करना पड़ेगा। आपको सिविल डिपार्टमेंट में डाल दिया तो सिविल का काम करना, ईंटा ढोलो, मिट्टी ढोलो, गड्ढे खोदो, ये सब काम करना पड़ेगा। सारा सारा दिन धूप में भी रहोगे, रोड बन रही, कंस्ट्रक्शन चल रहा, वहाँ पर काम करना पड़ेगा। लेबर का मतलब ये है। समटाइम इलेक्ट्रीशियन का काम है, दीवार कटिंग करना तुम्हें काटना है, लेबर का काम। प्लम्बर के साथ डाल दिया तो प्लम्बर के साथ करना है, वो आपकी किस्मत है। मैकेनिकल ग्रुप में, इलेक्ट्रिकल में डाल दिया, लेकिन ज़्यादातर लेबर सिविल डिपार्टमेंट में डालते हैं, या फिर झाड़ू पोछा के काम में डाल दिया, क्लीनिंग के काम में डाल दिया, तो ये सब चीज़ लेबर में प्रॉब्लम होती है। लेबर का मतलब जनरल लेबर जो होते हैं, कोई भी काम करा सकता है, उसमें आप कुछ बोल नहीं सकते कि हमारा ट्रेड नहीं है, हम लेबर के इस काम में आए थे। लेबर का कोई पोजिशन नहीं होता है कि हम यही काम करेंगे। तो सो गाइस, लेबर की जॉब से बचे, कोई काम सीख के ही आप गल्फ कंट्री के लिए जॉब के लिए अप्लाई करें। यही इन्फॉर्मेशन वीडियो है मेरी। गल्फ कंट्री आने से पहले ज़रूर से ज़रूर आप काम सीखें मेरे प्यारे भाई, इसलिए कि अगर आप काम सीख के आएंगे तो एक ही काम करेंगे। इलेक्ट्रीशियन के काम सीखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन का ही काम करेंगे, प्लम्बर का सीखेंगे तो प्लम्बर का, एसी का काम एसी का ही करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा तालीम नहीं है, इतना काम का नॉलेज नहीं है, तो आप असिस्टेंट में तो आ सकते हैं ना। आज देखिए मुंबई है, दिल्ली है, तमाम हर स्टेट में आज के दौर में इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जहाँ आप अपना एडमिशन करा के, कोचिंग करके आप बेसिक चीज़ इलेक्ट्रिकल से लेकर एसी टेक्नीशियन के काम में, प्लम्बिंग के काम में, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोई भी काम सीखकर बेसिक जानकारी लेकर आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप काम सीख के जब तक टेक्नीशियन न बन जाए तब तक ना आए। अगर आपके पास वक्त है तो टेक्नीशियन बन के ही सऊदी या कोई कंट्री जाएँ। अगर टाइम कम है तो आप बेसिक चीज़ इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराकर जानकारी लें, उसके बाद कम से कम असिस्टेंट एज ए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर के असिस्टेंट में तो आएँ। ऐसे में क्या होगा, अगर आप असिस्टेंट बन के आते हैं किसी का भी, इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, पाइप फिटर हो गया, एचवीएसी टेक्नीशियन हो गया, चिल्लर टेक्नीशियन हो गया, कोई भी जॉब हो, तो उसमें क्या है, आपको जिस के साथ लाएगा, जिस कैटेगरी असिस्टेंट के नाम पे, वही काम आपको करना होगा। असिस्टेंट में ये फ़ायदा है। अगर लेबर के खाली जॉब में आओगे तो लेबर में भाई किसी के साथ भी रख सकता है, सिविल में डाल सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में डाल सकता है, रोड बनने उसमें डाल सकता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम मेरे भाई। फिर आप 2 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट रहता है, 2 ईयर्स इधर गुजार तो पूरा माइंड टेंशन में रहता है, काम भी ज़्यादा रहता है, आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। सो गाइस,
आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गल्फ़ कंट्री में जॉब अप्लाई करने से पहले आप लोग कोई काम सीखें, कोई तालीम लें, फिर उसके बाद अप्लाई करें। लेबर की जॉब से प्लीज़ बचें, कोई काम सीखें, एक प्रोफेशनल बने। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल हो दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप कमेंट करें। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की जॉब से एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।